दर्शकों को बता दें कि ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर बदल गया है। कृषि संबंधी किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए अब से आप हमारे नए नंबर 9540300003 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां किसान सीमित संसाधनों में अच्छी खेती किसानी कर रहा है। लेकिन किसान की स्थिति में सुधार हो, वो अपने क्षेत्र में सबल सक्षम बने, इसी उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर किसान के लिए समय समय पर सहूलियत भरी तमाम योजनाएं लाती रहती हैं। लेकिन उन योजनाओं में पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है। किसान के लिए बनी योजनाएं वास्तविक धरातल पर कितनी खरी उतर रही हैं, ये जानना किसान का अधिकार है। और किसान के इसी अधिकार को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है जन सूचना पोर्टल लॉन्च करके। ये पोर्टल सरकारी कामों और किसान के बीच पारदर्शिता लाने में कितना सफल होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य की आवाम इस पोर्टल के प्रति जागरूक हो। तो आइए दिखाते हैं आपको कि इस पोर्टल पर आपको किन किन सूचनाओं की जानकारी मिलेगी और कैसे मिलेगी, जानकारियों का लाभ आपको कैसे लेना है। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। अगर पहली बार आप ग्रीन टीवी देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खेती की जमीनी जानकारी आपको यहाँ से बेहतर और कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलिए आज देते हैं आपको जमीनी जानकारी इस जन सूचना पोर्टल की। उठाइए अपना फोन और कीजिए मुझे फॉलो, मतलब जैसा जैसा मैं करूँ वैसा वैसा आप भी करिए। अपने फोन के गूगल पेज पर जाकर टाइप कीजिए jansuchna.rajasthan.gov.in। एंटर पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, जन सूचना पोर्टल 2019, सशक्त नागरिक खुशहाल राज्य। राजस्थान सरकार ने हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ये पहल की है। तो चलिए क्लिक करते हैं और अगले पेज पर चलते हैं। ये खुला नया पेज जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पोर्टल का इंट्रोडक्शन है, जिसमें लिखा है जन सूचना पोर्टल अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये सूचना के अधिकार 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा 1 के खंड ख की उपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े। सेवाओं या योजनाओं के चयन के लिए यहाँ क्लिक करते हैं और इस पेज पर वो तमाम योजनाएं वो जानकारियां मिलेंगी जिनके बारे में जानना जनता का हक है। इनमें पहली है महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक जानकारी, दूसरी है SBM शौचालय अभ्यार्थियों की, अगली है ई पंचायत, फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा, RTI सूचना का अधिकार, राशन के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर क्लिक करें। काफी अहम और खास चीजों को भी इस पोर्टल में जगह दी गई है, जिनमें अगला है राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2019, इसके बाद है अल्पकालीन फसल ऋण 2019, फिर है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीद एवं भुगतान सूचना, शाला दर्पण, विशेष योग्यजनों की जानकारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की जानकारी, पालनहार योजना एवं लाभार्थी की जानकारी, छात्रवृत्ति, श्रमिक कार्ड धारकों की जानकारी, खनन और DMFT, SRDR कार्ड धारकों की जानकारी, ई मित्र कियोस्कों की जानकारी, गिरदावरी की नकल, फॉरेस्ट राइट एक्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बिजली के उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, आपको इनमें से जिस भी विषय के बारे में जानना है, जानकारी लेनी है, आप उस पर क्लिक करें और पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहां से पा सकते हैं। चलिए फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि किसान कर्ज माफी योजना में आप लाभान्वित हुए हैं या नहीं, ये आप इस पोर्टल के माध्यम से कैसे जान सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर,
राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2019। इस पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन खुलेंगे। पहला है इंडिविजुअल्स के लिए, दूसरा है क्षेत्र के लिए और तीसरा है ऑडिट इन्फो के लिए। अगर आपने कर्ज माफी के लिए आवेदन किया हुआ है तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी आवेदन संख्या, आधार नंबर या फिर SRDR ID डालें और सर्च करें। अगर क्षेत्र की किसान माफी योजना की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आपको क्लिक करना होगा दूसरे ऑप्शन पर। यहां आपको राज्य के सभी जिलों व बैंकों के नाम के साथ लाभार्थियों की संख्या और कर्ज माफी की रकम का पूरा ब्योरा मिलेगा। अब आपको जिस भी जिले की बैंक शाखा की जानकारी चाहिए उस पर आप क्लिक करें। यहां विभिन्न जिलों के सभी कस्बों की बैंक शाखाओं में कर्ज माफी पाने वाले किसानों का पूरा ब्योरा आपको नजर आएगा। इस लिस्ट में आवेदन कोड के साथ जिलेवार बैंक शाखाओं का नाम, पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या जिसे आप प्राथमिक सहकारी समिति भी कह सकते हैं, उनके नाम के साथ आधार नंबर और किसान के नाम व किसान के पते के साथ माफ की हुई कुल राशि यहां दी गई है। आप राजस्थान में जिस भी जिले से हैं उस जिले और कस्बे का चुनाव करके आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। अब अगर आपको अल्पकालीन ऋण की सूची चाहिए वो देखनी है आपको, तो आप वापस योजनाओं वाले पेज पर पहुंचें और यहां आपको क्लिक करना है अल्पकालीन फसल ऋण 2019 वाले इस ऑप्शन पर। खुद के बारे में जानना है तो पहला ऑप्शन चुनें, मांगी हुई डिटेल्स भरें और जानकारियां पाएं। अगर क्षेत्रवार जानकारी आपको चाहिए तो दूसरे वाले ऑप्शन को चुनें। यहां आपको बैंकों के नाम, टोटल रजिस्ट्रेशन, शाखाओं द्वारा स्वीकृत मंजूर हुए ऋण, पूरी हुई कागजी कार्रवाई और नए किसानों के पंजीकरण समेत सभी जानकारियों का पूरा ब्यौरा मिलेगा। जिलेवार जानकारी के लिए किसी भी जिले पर क्लिक करें। अगले पेज पर क्षेत्रवार बैंक शाखाओं की डिटेल आपको मिलेगी। अधिक जानकारी पाने के लिए फिर से क्लिक करेंगे तो बैंक के नाम, शाखा, पैक्स के नाम, आवेदन संख्या, किसान व किसान के पिता के नाम और खाता सहित मंजूर हुई रकम का पूरा लेखा जोखा आपको यहां मिल जाएगा। इस तरह आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर खाए बिना पूरी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पा सकते हैं। हमने आपको फिलहाल सिर्फ ये बताया कि आप इस पोर्टल के माध्यम से कर्ज माफी योजना के बारे में कैसे पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी योजना की जानकारी चाहते हैं तो उस ऑप्शन पर क्लिक करें और जानकारियां पाएं। यहां आपको जानकारी पाने में कोई असुविधा बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि अंग्रेजी के साथ साथ सभी विकल्प यानी ऑप्शन आपको यहां हिंदी में भी मिलेंगे। तो पोर्टल पर जाएं और देखें कि आपके राज्य के किस जिले, किस क्षेत्र में कौन सी योजना किस स्तर तक सफल हो रही है। सरकारी कामों और जनता के बीच पारदर्शिता लाने की ये राज्य सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन सफल कितनी होगी ये इस पोर्टल से मिली जानकारियों की सच्चाई और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।